ये अर्धनारी नटेश्वर जो शिव जी का स्वरूप बताया गया है वास्तव में प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है यानी ये आत्मा का प्रतीक है। कोई भी पुरुष संपूर्ण पुरुष नहीं होता, उसमें स्त्री होती है, और कोई भी स्त्री संपूर्ण स्त्री नहीं होती, उसमें पुरुष होता ही है। और आत्मा में स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आत्मा आत्मा है, ना वो पुरुष का है ना स्त्री का है। थोड़ा क्या हुआ है कि यह जो संस्कृति में था, जो समाज में था, वही ध्यान रख करके उन्होंने भी ध्यान साधना की, मेडिटेशंस किया, और उसके बाद में एक स्थिति है। वो स्थिति तक जब वो पहुँचे, पहुँचने के बाद में लगा, अरे ये तो हम गलत कर रहे थे, ये तो हमारी गलत धारणा थी। एक स्तर के ऊपर जाने के बाद में फिर स्त्री और पुरुष ये भेद ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वो बताने के लिए वो नीचे नहीं आ सकते ना, वो वहाँ पर स्थित हो गए। तो उन्होंने उनकी गलती सुधारने के लिए, जो उनको लगा था कि गलत था, ईश्वरीय अनुभूति का मैसेज, ये संदेश जन सामान्य तक पहुँचा है। तो महाशिवरात्रि के दिन अब साक्षात शिव और पार्वती स्वयं बनो, यही गुरुदेव की इच्छा है। तभी गणेश का जन्म हो सकेगा। पूरे साल भर में महाशिवरात्रि के दिन अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से ब्रेक लगा करके थोड़ा ठहर करके अपना खुद का अवलोकन करो, खुद का एनालिसिस करो कि हम उस महाशिवरात्रि से इस महाशिवरात्रि तक कहाँ तक पहुँचे। हर साल अपनी प्रगति का, अपने प्रोग्रेस का अवलोकन करो ना, कितनी प्रगति हुई, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना छूटा है। और थोड़ा समय अपने आप के लिए दो, खुद के लिए दो। क्योंकि जब आप आपके लिए समय देंगे तो आप आपके आत्मा के ज़्यादा करीब जाएंगे, ज़्यादा पास जाएंगे। और जितने पास जाएंगे उतना ही आपका और उसका निकट संपर्क बनेगा, और निकट संपर्क बनने के बाद धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि वो आपको संदेश दे रहा है, वो आपको मैसेज दे रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, आपका मार्गदर्शक बन रहा है। गुरुओं ने समर्पण ध्यान की शुरुआत इस उद्देश्य से भी की कि वो एक कल्याणकारी विश्व बनाना चाहते हैं। और कल्याणकारी विश्व सभी चाहते हैं, सभी देश चाहते हैं, सभी राष्ट्र चाहते हैं। और प्रत्येक ने उसके लिए अपनी अपनी व्यवस्था दी हुई है, अपने अपने कानून दिए हुए हैं, अपने अपने नियम दिए हुए हैं। लेकिन गुरुदेव महसूस करते हैं
कि सारे कानून, सारे नियम मनुष्य ने बनाए हुए, और इसी के कारण वो पर्याप्त नहीं है। यानी मनुष्य ने कानून बनाया है, मनुष्य का कानून मनुष्य तोड़ेगा, उसमें से रास्ता भी मनुष्य निकालेगा। तो एक अच्छे कल्याणकारी समाज के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कानून भारी है, नियम भारी है, व्यवस्थाएं भारी है, उस तो भीतरी होने की आवश्यकता है, आंतरिक चेंज होने की आवश्यकता है, आंतरिक बदलाव होने की आवश्यकता है, आंतरिक बंधन होने की आवश्यकता है। उसको अंदर से ज्ञान हो जाए कि ये सही और ये गलत है, तो कानून तोड़ेगा ही नहीं, और तोड़ेगा नहीं तो फिर रास्ता निकालने का प्रश्न ही नहीं आता। दूसरा, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी साधक एकदम दूध के धुले हुए हैं, सभी साधक एकदम कानून का पालन करते हैं, सभी साधक नियमों का पालन करते हैं। जो चेंज है ना, जो बदलाव है, अच्छा चेंज हर दफ़े धीरे 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 आता है, लेकिन हम लक्ष्य तो बता सकते हैं। इसलिए मैं भी सब बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ आप ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करके जहाँ आपकी आत्मा आपकी गुरु हो गई, फिर क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से होना चालू हो जाएगा। फिर बाहर से बताने की, समझाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहेगी। समर्पण ध्यान को भी 10 साल हो गए, और समाज के बीच में है, समाज के अंदर से ही यहाँ लोग आएंगे, तो अच्छे भी लोग आ सकते हैं, बुरे भी लोग आ सकते हैं, सभी प्रकार के हो सकते हैं। आपको आपकी कलेक्टिविटी चुनने का है, आपको किसके सानिध्य में रहने का है, आपको किसके पास रहने का है, आपको किसके करीब रहने का है, इसका चुनाव आप करो ना। जैसे गंगा नदी रहती है कि नहीं, गंगोत्री से निकलती एकदम शुद्ध रहती है, ऋषिकेश तक एकदम शुद्ध, हरिद्वार तक थोड़ा और मेला, और कानपुर वगैरह आते आते और बहुत गंदी हो जाती। तो गंगा नदी तो एक ही है, जैसी वहां थी वैसे यहां है, समान एक जैसी है। प्रदूषण तो स्थान का है, जगह का है। ठीक इसी प्रकार से हो सकता है, कहीं पे अच्छे साधक है, कहीं खराब साधक है, सब प्रकार के हो सकते हैं, एकदम शुद्ध नहीं होंगे, लेकिन आप आपका चुनाव करो। तो गंगा नदी में आपको कहाँ डुबकी लगाने की है वो आप देखो ना, शुद्ध पानी में जाके लगाओ, ऋषिकेश में लगाओ। क्योंकि संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये एकदम व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ, संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे जैसे समाज में लोग हैं वैसे सब लोग इसमें भी आएंगे, उनको भी शुद्ध होने में, उनको भी पवित्र होने में समय लगता है ना। इसलिए आप उनके तरफ, उनको सुधारने का कोशिश मत करो, उनके दोष ढूंढने का कोशिश मत करो, उनको संतुलित करने का कोशिश मत करो, उनको बैलेंस करने का कोशिश मत करो। तुम अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो, अच्छी संगत में रहो, अच्छे सानिध्य में रहो, अच्छे साधकों के साथ रहो। जैसे बचपन में मैं कुश्ती लड़ता था ना, तो मेरे से बड़े पहलवान से कुश्ती लड़ता था, वो मेरे को पटक पटक के मारता था, तो उसका क्या फायदा होता था, मेरी ताकत बढ़ती थी। तो वैसे ही आप अगर अच्छे साधकों के सानिध्य में रहो तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा।
क्या होता है, ये गहन ध्यान में मेरे को बहुत कुछ दिखते रहता है लेकिन बताते नहीं आता, उस समय क्या कर सकता हूँ? ऐसे जब मिलते हो तभी बता सकता हूँ ना। तो इसलिए तुम किसके साथ में रह रहे हो, किसके सानिध्य में रह रहे हो, किसके पास में रह रहे हो, इसका चुनाव तुम खुद करते हो। तो अच्छी संगत ढूंढो, अच्छे साधक ढूंढो, अच्छे कलेक्टिविटी में रहो। तो अगर अच्छे साधकों के साथ रहोगे, अच्छे कलेक्टिविटी में रहोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी। तो अपनी संगत तो अपने को ढूंढना है ना। और ये अनुष्ठान के दौरान कई लोगों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ हुई, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई, उसको लिख के रखो ना। क्या हुआ है, एक अच्छी सामूहिकता थी, अच्छी कलेक्टिविटी थी, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व भर में 45 दिन के अंदर सब साधक ध्यान कर रहे थे, सब मेडिटेशन कर रहे थे, जो नहीं करते थे वो भी कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता थी, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी थी। और होता क्या, सतत 45 डेज बहुत हो जाते हैं करते 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 करते, बाद में सबकी बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तो लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई हैं, उन अनुभूतियों को लिख करके रखो, उससे क्या फायदा होगा? देखो स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छी स्थिति रहती है, कभी अच्छी अनुभूति रहती है, कभी अच्छी नहीं रहती, कभी अपन डिस्टर्ब रहते हैं। देखो क्या है, खुद की कार लेके चलोगे ना तो सब प्रॉब्लम तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी अब जैसे अपनी खुद की कार है तो अपने को उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकालना पड़ेगा, आरटीओ का टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें पेट्रोल है कि नहीं देखना पड़ेगा, उसके चक्कों के अंदर हवा है कि नहीं देखना पड़ेगा, फिर उसके इंजन को ऑयल भरा हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी साफ सफाई देखना पड़ेगी, उसकी सर्विसिंग देखना पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अपनी कार है। और ये जो आत्माएं आए हुए हैं ना, ये दूसरे के कार में लिफ्ट करके आए हुए हैं, इनकी कार नहीं है। ये एक अंतर समझो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई झमेले ही नहीं है, उनकी कार ही नहीं है, वो लिफ्ट में बैठ करके आए हैं, वहां से चढ़े और यहां पहुंचे। तो उनको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, वो बोले बाबा आप बख्शो दो, वो नहीं कुछ मांगेंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। तो क्या रहता है, तुम अगर देह धारण करोगे तो फिर फैमिली रहेगी, घर की झंझटें रहेगी, सब मरे, सब जितने शरीर के झमेले रहते हैं सब रहते ही है, क्योंकि शरीर अपना है ना। तुम्हारे और इनमें यही अंतर है, इनका शरीर नहीं रहता, इसलिए वो तो लिफ्ट लेके आए हैं, उनकी खुद की कार थोड़ी। तो वैसा ये सब अपन लेकर के चलते रहते हैं, सब चलते रहता है, लेकिन वही बात बता रहा हूँ कि 45 दिनों में जब अच्छी अनुभूतियाँ होती है, उन अनुभूतियों को लिख करके रखो। लिखने के बाद में क्या, जब कभी ऐसे लगे कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको पढ़ लिया। पढ़ने से क्या होता है, अपना चित्त एक अच्छी अनुभूति के ऊपर जाएगा, अरे उस दिन कितना अच्छा लगा था ना। अच्छी अनुभूति पर जाएगा, उससे दो फायदे हैं, एक तो जो वर्तमान स्थिति में आप डिस्टर्ब हो उस परिस्थिति में से आपका चित्त निकल जाएगा, दूसरा फिर एक अच्छी अनुभूति की ओर आपका चित्त जाएगा तो एक अच्छी स्थिति निर्माण होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मधु चैतन्य भेजो, मैं ये नहीं कहता कि तुम लोगों को बताते फिरो, सिर्फ मैं कहता हूँ छोटी सी डायरी अपनी निजी रखो, उस डायरी में अपने अनुभव लिख के रखो, किसी को बताने का भी जरूरत नहीं, तुम तुम्हारी पढ़ो ना, उस डायरी में लिख करके रखो अनुभव, वो अनुभव पढ़ा करो, वो अनुभव तुमको आत्मबल देंगे। देखो क्या होता है, जब अपन कोई अच्छा कार्य करते हैं कि नहीं, तो कार्य करने के बाद में अपने को लगता है कि कोई ही नहीं दिख रहा है, या किसी को हम नहीं दिखा रहे हैं, हम चुपचाप कर रहे हैं, फिर भी अपना आत्मा देखते रहता है, आत्मा उसका निरीक्षण करते रहता है, तो होता क्या है, उससे आत्मा प्रसन्न होता है। और जब बार बार आप अच्छा कार्य करोगे, जैसे गुरु कार्य, कहीं गुरु कार्य अपन किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, किसी को बताने के लिए नहीं करते, अपना ईगो बढ़े इसलिए भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता मतलब किसको, आपके आत्मा को अच्छा लगता है,
जब गुरु कार्य करने से आपके आत्मा को अच्छा लगता है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, क्या होगा, आत्मा उससे प्रसन्न होगी। सदैव याद रखना, आत्मा हो या शरीर, आप जब प्रसन्न रहोगे, जब खुश रहोगे, तभी आपकी प्रगति होगी, तभी आपकी प्रोग्रेस है। तो गुरु कार्य करते 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 आप आत्मा को खूब दिनों तक प्रसन्न रखते हो, खुश रखते हो, तो प्रसन्न रख के क्या होता, वो सशक्त होती है, वो मजबूत होती है, और मजबूत होने के बाद में धीरे 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 वो प्रगति करती है, वो प्रोग्रेस करती है, और वो इतनी प्रगति करती है कि बाद में वो आपको गाइडेंस करेगी, वो आपको मार्गदर्शन करेगी, फिर आप ही के गुरु हो जाओगे। तो ये अपने समर्पण ध्यान का उद्देश्य है कि आप आपके गुरु हो जाओ। और ये लक्ष्य हमको इसी साल में प्राप्त करने का है। दूसरा एक प्रकार है वो आपको बता दूं, अगली महाशिवरात्रि को हम यहां मिलेंगे, तब जो 45 दिन का अनुष्ठान होगा ना, उस अनुष्ठान के अंदर सचमुच आप मर गए हो ऐसा सोचो ना। जैसे अनुष्ठान चालू हो गया, एकदम आज मैं मर गया, और मरने के बाद में समझ लो लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो भी आत्मा क्या कर सकता है, देखेगा, ऐसा देखेगा, नहीं कर रहा क्या, बस कुछ नहीं बोलने का उसको। तो ऐसा 45 दिन तक किसी को भी कुछ भी मत बोलो, अब मर गया ऐसा सोच लो ना, तो मर गया आदमी किसे एकदम डिटैच हो जाता है, कुछ भी सामने हो रहा है कुछ भी शरीर से नहीं बोलने का, गुस्सा नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का, कोई कुछ बोला तो अपने को थोड़ी बोल रहा है वो, तो ऐसे 45 दिन रह करके देखो, अगले अनुष्ठान के लिए प्रयोग करके देखो, एकदम आप पहुंच जाओगे। देखो हर अनुष्ठान के ना प्लानिंग किया करो, तो अगले अनुष्ठान का ऐसा प्लानिंग रखो जैसे 45 दिन का अनुष्ठान चालू हो गए कि एकदम आत्मस्वरूप हो जाओ, कि घर में कुछ झगड़ा करने कुछ भी मैंने किसी चीज का रिएक्शन होना ही चाहिए। आप कल्पना करो मैं मरा रहता तो क्या करता, कुछ नहीं करता, तो अभी भी कुछ भी नहीं करता। और ऐसा सब जने एक साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चाहिए तो तुमको एक बार फिर याद दिलाऊंगा तुमको कि ऐसा करने का है करके। नहीं, ऐसा प्रयोग मैंने मेरे पिताजी को बताया था, उनको बड़ा सक्सेसफुल रहा, मैंने उनको तो ऐसी अनुभूति हुई कि वो एक बार रात को ऐसे ही चल रहे थे, रात को 2:30 बजे बहन के दरवाजे के सामने खड़े रहे रूम के, फिर आगे गए, फिर रसोई घर से वापस आए, फिर वो बहन बोलती बार बार क्या देख रहे हो हमारे रूम की तरफ, तो बोले मैं दिख रहा हूँ तेरे को। मेरे को लगा कि मैं आत्मा हो गया हूँ और ऐसा घूम रहा हूँ। बोली थी अच्छे भले दिख रहे हो, दो बार तो गए इधर से इधर इधर से। बोले मैं इसलिए घूम रहा था कि तू मेरे को देखे तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ये पूछने का था। तो वैसे 45 दिन प्रयोग करके देखो इस बार अगला जो अनुष्ठान होगा कि नहीं। और सचमुच ये प्रयोग जब सामूहिकता में करेंगे ना, कलेक्टिविटी में करेंगे, उसके रिजल्ट एकदम अच्छे आते हैं, तो कच्छ की मूर्ति एकदम फैंटास्टिक बनेगी। क्या होता है, कोई भी क्रिया का जब हम रिएक्शन देते हैं तब उसका कोई इफेक्ट होता है, अगर रिएक्शन नहीं दिया तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसा मैं भी मेरे फैमिली में रहता हूँ कभी कभी। तुम भी रह के देखो। तो अगले अनुष्ठान के दफे ये प्रयोग करके देखो कि 45 दिन ऐसे ही रहने का कि अपन नहीं है। तो ऐसा अगर करोगे ना तो अगली महाशिवरात्रि तक सचमुच आप वो स्थिति तक पहुंच जाओगे, क्योंकि अपना लक्ष्य है अपने को इसी साल में वो स्थिति प्राप्त करने का है, आत्मस्वरूप की स्थिति प्राप्त करने का। क्योंकि वो स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद में ये सारे समस्याओं का ही निदान है, सारी प्रॉब्लम। हम अपने आप को महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए अगर वो इम्पोर्टेंस देना छोड़ दे तो फिर कुछ नहीं हुआ। 45 दिन ज़्यादा होते हैं तो एक हफ्ता करके देखो, प्रयोग करो धीरे धीरे धीरे। और दूसरा क्या है, जब 45 दिन इसलिए बताए कि उसमें ना एक सामूहिकता रहेगी, एक कलेक्टिविटी रहेगी, और कलेक्टिविटी में सब लोग ऐसा महसूस करेंगे तो एक अच्छा अनुभव होगा। और जो अच्छे अनुभव आते हैं वो आयुष्य के अंदर लिख के रखो, और जब भी तुमको कभी डिस्टर्बेंस हो, कभी कुछ हो, उसको पढ़ लिया करो, एक अपनी निजी डायरी बनाओ, उस डायरी में सब जने ऐसे अपने अपने एक्सपीरियंस लिखो, अपने अपने अनुभव लिखो। तो आज के महाशिवरात्रि पर
तीन संयोग बहुत अच्छे बने थे। एक तो अपना जागृति वर्ष था और जागृति वर्ष में गहन ध्यान अनुष्ठान का समापन था और महाशिवरात्रि का पर्व था। जैसे एखादा मनुष्य रहता है कि नहीं, खूब गहरी नींद में सोया हुआ रहता है तो उसको एखादा आवाज लगाया तो नहीं उठता, वो दो तीन बार आवाज देना पड़ती। उसी प्रकार से परमात्मा को लगा होगा कि यार ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, इनको तीन संयोग ऐसे तैयार करो, एकत्र करो और फिर उनको जगाओ तो जागेंगे। इसीलिए शायद आज का दिन उन्होंने निश्चित किया था कि आज तीन संयोग बने और तीन संयोगों का आप सभी लोग लाभ लो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। आप सभी लोग इतनी बड़ी सामूहिकता में, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में यहाँ पे आए और इस गहन ध्यान अनुष्ठान के समापन पे शामिल हुए, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सदैव सामूहिकता का अवसर, कलेक्टिविटी का अवसर कभी मत चुका करो। क्योंकि क्या होता है, जैसे 1000 दिन रोज ध्यान करना और 1000 लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना एक जैसा रहता है। जैसे आज आपने हजारों लोगों के साथ ध्यान किया तो हजारों दिन ध्यान किया, ऐसी स्थिति है। Thanks for watching. Like. Comments. Share. And subscribe.